ठीक है ना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बच्चों को। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पर कुछ डिस्कशन होते हैं, इन पर जो प्रैक्टिस होती है जितनी पॉसिबल हो सकती है, ये वीडियोस में आपके लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दें, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रैक्टिस सेशन। मैंने इसके बारे में बात की थी कि कैसे हम मीजो कंपाउंड को बता रहे थे, कैसे हम इनेंशियोमेरिक पेयर को बता रहे थे, कैसे हम डायस्टीरियोमेरिक पेयर को समझा रहे थे, इन सब चीजों के बारे में बात हमने की थी। थोड़ी सी एक रिविजन मैं आपको बताता हूं कि मेनली आपको क्या करना होता है। अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो क्या सिमेट्रिकल कंपाउंड कभी भी कोई मिरर इमेज दे सकता है? नहीं दे सकता बच्चों, इसीलिए उसे नॉन रिजॉल्वेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब इसके अलावा कुछ भी ना बन सके। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है विच कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल, तो हो सकता है आपको वहां पर क्या पहचानने होंगे, वहां आपको मीजो कंपाउंड पहचानने होंगे। क्लियर है? अगर आपसे कहता है रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल का मतलब क्या हो बच्चों? आपने देखा था कि अगर कोई डी बन रहा था तो उसका मिरर इमेज एल जरूर था, समझ रहे? अगर कोई प्लस 50 कर रहा था रोटेट तो वो माइनस 50 रोटेट जरूर कर रहा था। इसका मतलब बच्चों अगर रिजॉल्वेबल पूछा है तो रिजॉल्वेबल में हम क्या सोचते हैं कि क्या इसका मिरर इमेज बन सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लियर बात समझ में? तो रिजॉल्वेबल का मतलब क्या हुआ? वहां पर कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल आना चाहिए। और नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब क्या हुआ? वहां मीजो आना चाहिए या वहां सिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। क्लियर हो गई थी बात? चलिए अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेशन की। इनेंशियोमेरिक रिलेशन है या डायस्टीरियोमेरिक है या आइडेंटिकल है। क्लियर? तो यहां पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या करते थे बच्चों हम? मेनली क्या करते थे बच्चों, सबसे पहले हम देखते थे कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो उसका कोई मिरर इमेज पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल में क्या होता है बच्चों, उसकी मिरर इमेज प्रेजेंट होती है, उसकी मिरर इमेज हमेशा पेयर में होती है। क्लियर है? कैसे पहचानोगे कि मिरर इमेज है या नहीं? सिंपल है, जितने कायरल सेंटर दिए हो उन सबके अबाउट चेंज, क्या कहलाएगा? इनेंशियोमेरिक। किसी एक को भी रहने दिया, किसी एक को भी छोड़ दिया, किसी एक को भी नहीं किया, मान लीजिए तीन कायरल सेंटर थे, मैंने दो को चेंज कर दिया, एक को नहीं किया, कॉल्ड डायस्टीरियोमर। एक को कर दिया, दो को नहीं किया, कॉल्ड डायस्टीरियोमर। क्या नहीं होना चाहिए वहां? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट बात है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। एक तरीका है, आप यहां पर R और S निकाल सकते हैं। अगर कोई R कॉन्फ़िगरेशन है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका मतलब R का मिरर इमेज क्या होता है? S। अगर R का R आ रहा है इसका मतलब आइडेंटिकल है, R का S आ रहा है इसका मतलब इनेंशियोमर है। बस क्या नहीं होना चाहिए? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ बच्चों, अगर एक कायरल सेंटर है तो कभी भी डायस्टीरियोमर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि एक कायरल सेंटर में या तो वो सेम होगा या तो वो इनवर्स होगा, मतलब या तो वो अपोजिट होगा या तो वो सेम होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं आ सकती। इसका मतलब या तो वो इनेंशियोमर हो सकता है या तो वो आइडेंटिकल हो सकता है। इतनी सी बात मेरे को समझ में आनी चाहिए। मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, आर एस का मेथड बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपको मैंने एक्सचेंज मेथड सिखाया था, अगर आपने ना देखा हो वो वीडियो तो आप जरूर जाकर देखें, ऑप्टिकल आइसोमर पार्ट 4 कैनी कूल, क्लियर? तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड सिमेट्री आपको देखनी नहीं आती, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसका भी एक वीडियो है, आप वहां जाकर देखें, पीयूएस सीयूएस कैनी कूल, आप वहां पर सब अवेलेबल है, ठीक है? तो देखिए क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई ऑड नंबर ऑफ चेंज होता है, ऑड नंबर ऑफ चेंज मतलब एक का चेंज मान लो कर लिया, तो R का क्या हो जाएगा? S। अगर मेरे पास R है और मैंने दो का चेंज किया, मतलब क्या हुआ? R को S में चेंज किया और फिर S को किस में चेंज कर दिया? R में। बच्चों तो बताएं मुझे, क्या इवन नंबर चेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता? ऑड नंबर चेंज करने पे चेंज हो जाता है। क्लियर है? ऐसे ही
अगर किसी कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा दो तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर किसी कंपाउंड को 90 डिग्री घुमा दो तो एक का चेंज हो जाता है। ये दो बातें आपको क्लियर रखनी है। यहां पर देखिए, अगर मुझे 1 और 2 में पूछा जाए रिलेशन क्या है, जो 1 को 2 जैसा बनाने के लिए कितने चेंज करने पड़ेंगे, क्या मैं देख पा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चेंज किया गया है। ध्यान से देखें, OH की पोजीशन और CH2OH की पोजीशन रिप्लेस कर दी गई है, इसका मतलब कितने का चेंज है, 1 का। इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन ये होगा इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन 2 में होगा। इसका मतलब 1 and 2 इज इनेंशियल, क्योंकि सिमेट्री है नहीं, दिख रहा है एक कायरल सेंटर में कभी सिमेट्री आ ही नहीं सकती, चारों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चारों एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात करते हैं 1 and 3 की। 1 and 3 को देखिए, अगर 1 को 3 जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज रिवर्स है। इसका मतलब अगर मैं इसे पकड़कर घुमा दू, ध्यान दें, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के 180 घुमा दू तो क्या ये CHO नीचे आ जाएगा, ये CH2OH ऊपर चला जाएगा, ये OH राइट में है लेफ्ट में आ जाएगा और ये लेफ्ट में है राइट में चला जाएगा, क्या यही तो है। इसका मतलब 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने 180 डिग्री रोटेट किया है, और 180 डिग्री रोटेट करने में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब 1 and 3 क्या होंगे, आइडेंटिकल। बच्चों मुझे 2 and 3 पता लगाना है, जब 1 and 3 आइडेंटिकल है तो 1 का रिलेशन 2 से जो भी है वही रिलेशन 3 का 2 से भी होगा, इसका मतलब कॉल्ड इनेंशियल। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना आर एस निकाले हुए। अगला क्वेश्चन देखें, रिलेशन बिटवीन 1 and 2, मुझे इस कंपाउंड को ऐसा बनाने के लिए हर कायरल सेंटर पे अगर 1 का चेंज करना पड़े, इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब इनेंशियल हो जाएगा। अगर 2 कायरल सेंटर है, 1 के अबाउट चेंज किया, 1 के अबाउट नहीं किया तो डाइस्टेरियोमर हो जाएगी। चेक करें इस वाले कायरल सेंटर को, चेक करें तो क्या मुझे दिख रहा है एच और सीएल को रिप्लेस कर दिया गया है, बिल्कुल 1 का चेंज किया गया है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब इन्वर्जन हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये आर है तो ये एस होगा, अगर ये एस है तो ये आर होगा, ये पक्का है। इसकी बात करें, एच है, सीएल है, C2H5 है, कितने चेंज करने पर यह बन रहा है, ध्यान दे बच्चों, पहले एच को ऊपर ले गया, C2H5 को नीचे लाया, ठीक है भाई, और फिर C2H5 और Cl को चेंज कर दिया, तो क्या यहां पर 2 का चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब इसे ऐसा बनाने में 2 का चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं किया है, इसका मतलब इसके अबाउट चेंज कर दिया, इसके अबाउट नहीं किया, रिलेशन इज डायस्टेरियोमर। क्या बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो रिलेशन 1 and 2 में पूछा गया है, तरीका आप आरएस निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम लिखी है आप वो ना करें। अगर मैं इस कंपाउंड को एग्जैक्टली ये बनाना चाहूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये वही कायरल सेंटर है जो ये है, नहीं बच्चों, ये कायरल सेंटर ये वाला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज रिवर्स करके दी है, तो पहले ही क्यों ना मैं इसको रिवर्स बना लूं जिससे कंपेयर करने में इजी हो। तो कभी भी बच्चों ऐसा हो तो आप इस चीज को रिवर्स कर लें, क्योंकि रिवर्स करने में कोई चेंज नहीं होता। करने का तरीका क्या होता है, आई नीचे है ऊपर चला जाएगा, डी ऊपर है नीचे चला जाएगा, आई के साथ क्या था, जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। आप मूव करके देखें इसको, आई ऊपर जाएगा तो सीएल इधर आएगा, ऐसे ही जो चीज उधर है राइट में वो लेफ्ट में आएगी और जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगी। क्या एग्जैक्टली 1 को मैं ऐसे बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अब ध्यान दो कितने का चेंज किया है कि 2 बन जाए, आई और सीएल 1 का चेंज इस कायरल सेंटर के अबाउट, इसमें देखो 1 का चेंज इस कायरल सेंटर के अबाउट, और कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब हर कायरल सेंटर के अबाउट क्या किया है बच्चों, चेंज किया है, इसका मतलब 1 and 2 इनेंशियल। देखिए कितना इजी हो गया, तो चीजें बहुत इजी है, बस आपको समझना है, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्लियर है क्या। एक क्वेश्चन और करें,
मुझे ये बताएं क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं। मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है बच्चों, और मैंने ये बताया था जब डायगोनल पोजीशन होते हैं तो मैं ऊपर से पैरेलल ऊपर से क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसको कट करूंगा ये ब्रोमीन आधा कटेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल आधा कटेगा और ये सीएल आधा कटेगा। आधे आधे मॉलिक्यूल को खींच के अलग करोगे तो बीच में क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब डायगोनल में कुछ भी लगे होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर आती है। क्लियर है क्या? तो बताएं क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बना देता ब्रोमीन और सीएल, इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों। जब कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसको ऊपर से देखो या नीचे से देखो बात सेम है। इसीलिए बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, सेम। तो कंफ्यूज वो कर सकता है सामने वाला आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज तभी इनेंशियमर होगा जब वो अनसिमेट्रिकल हो, तभी तो एक एक का चेंज किया है। क्लियर है क्या? आगे है यहां पर, आप बताएं यहां पर कि मीजो कंपाउंड यहां कितने हैं। इसी मीजो कंपाउंड को एक और वर्डिंग दे सकता है, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड। ध्यान रखें इस चीज को। मीजो के लिए जरूरी क्या था? मीजो के लिए जरूरी था दो कायरल सेंटर प्लस पीओएस या सीओएस, इनमें से कोई एक। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? थ्री और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टीरियो को जनरेट करने वाले सेंटर, और उसके बाद क्या होने चाहिए, पीओएस और सीओएस। जैसे मान लीजिए मैंने ये तीनों ग्रुप लगा दिए, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर है? बिल्कुल। स्टीरियो को जनरेट करने वाले सेंटर है तीनों, सिमेट्री है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, मीजो है। क्लियर? तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको कंफ्यूज करेगी, इसलिए इसको आप हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? यहां की बात करते हैं बच्चों, क्या मुझे सिमेट्री दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या मैं इसको मीजो बोल सकता हूं? नहीं बच्चों। मीजो के लिए जरूरी क्या है? दो कायरल सेंटर। क्या यहां कायरल सेंटर है? नहीं है बच्चों। यहां से और यहां से क्या है, सेम बैलेंसी है, और सेम बैलेंसी है तो कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर के लिए चारों बैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये मीजो भी नहीं है। क्लियर? इसकी बात करते हैं, कायरल सेंटर है या नहीं चेक करें। बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। सिमेट्री है या नहीं? बिल्कुल सिमेट्री है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, मीजो है। क्लियर? यहां की बात करें, मुझे पता है सिमेट्री तो है लेकिन कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये मीजो नहीं है। यहां की बात करें, दो कायरल सेंटर है दिख रहा है और सिमेट्री है ये भी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, मीजो है, मतलब नॉन रिजॉल्वेबल है। अगर मैं इसे ऐसे करके डैश डैश बना दूं तो मुझे बताएं बच्चों इन दोनों में रिलेशन इनेंशियोमर का होगा या आइडेंटिकल होगा? बच्चों जब सिमेट्रिकल है तो इनेंशियोमर का भी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैं एक एक का चेंज करूं या दो दो का भी चेंज करूं, कुछ भी करूं इस जगह पे, तो यहां कभी भी कोई चीज चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है। इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, आइडेंटिकल का। इसीलिए मैंने आपको बताया मीजो नॉन रिजॉल्वेबल होता है, इसको रिजॉल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी क्या है, आइडेंटिकल। क्लियर है? यहां बात करते हैं, सिमेट्री है, कायरल सेंटर है, बिल्कुल मीजो है। इजी हो गया होगा आपको समझने में, कायरल सेंटर है, सिमेट्री है, क्या होगा, मीजो। कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां ध्यान दें, सिमेट्री तो है बच्चों, क्या कायरल सेंटर है? नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर के लिए होता है sp3 और ये है बच्चों sp2, इसका मतलब कायरल सेंटर नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा यहां देखें, यहां आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, सिमेट्री तो है ये आपको दिख रहा है क्योंकि डायगोनल पोजीशन में कैसे भी ग्रुप लगे हो सिमेट्री तो आती ही आती है, लेकिन बच्चों कायरल सेंटर नहीं है। ध्यान दो, इस तरीके से वो कंफ्यूज कराता है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये मीजो भी नहीं है। क्लियर? यहां की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमें डायरेक्ट दिखते हैं कि यहां पर सिमेट्री है, और कभी कभी बच्चों डायरेक्ट नहीं दिखते हैं। जैसे ये, अगर मेरे पास
सेम कंपाउंड लगे हुए हैं, सेम मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, तो आप दो का चेंज करके जरूर देखें कि क्या सिमेट्री आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे यहां देखें बच्चों, अगर मैं एक का चेंज करूं तो सीएल यहां आएगा, एच यहां जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। और फिर एच और सीएस3 को चेंज करूं तो एच यहां आ जाएगा और सीएस3 यहां चला जाएगा। क्या इस काइरल सेंटर के अबाउट मैंने दो का चेंज किया तो बच्चों क्या मेरे पास ये कंपाउंड बन के आएगा या नहीं आएगा, बताएं? आएगा। इसका मतलब बताएं बच्चों, देखने में तो नहीं लग रहा था कि सिमेट्री है, लेकिन यहां सिमेट्री मिल गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर काइरल सेंटर भी है, सिमेट्री भी है, दिस इज मेसो कंपाउंड। क्लियर? कोई बोले, कोई पूछे आपसे कि सब कुछ तो सेम है, अगर ये आर है तो पक्का ये क्या होगा? एस होगा, क्योंकि सिमेट्री है। अगर ये एस है तो पक्का ये क्या होगा? आर होगा। तो आप यहां से भी कॉन्फिगरेशन का पता लगा सकते हैं। अब आपको माइंड चल रहा है, अब आपका माइंड सेट है कि आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ऑप्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? इसके आगे और प्रैक्टिस करते हैं और तगड़ा करते हैं, ठीक है? जुड़े रहे बच्चों, बस करना ही करना है। ऑप्टिकल में ऐसी तैसी कर देनी है अपने को, ठीक है? सारे क्वेश्चन अपने को बढ़िया से आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर बच्चों? चाहे कैसा भी स्टीरियो दिया हो, हम उसे पता लगा सकते हैं कि मीजो है या नहीं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ और अच्छे एग्जांपल्स, इनको आप ट्राई करें। गलती होती है, होने दें। आज गलती हो रही है बच्चों, आगे गलती नहीं होगी, ये डर है, इसलिए आज गलती करें, नो डाउट। आज इसको टाइम दें, आज टाइम देंगे ना इसका इन्वेस्टमेंट तभी निकलेगा आपके पास, ऐसे नहीं होगा। क्लियर है? मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, गलतियां तो होती है यार, गलतियां नहीं होंगी तो कैसे सुधार होगा, बताइए? इसका मतलब अगर मुझसे कोई रिलेशन पूछे, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें, मुझसे पूछा गया ए एंड बी में रिलेशन क्या है, तो ध्यान दें बच्चों, ए और बी में रिलेशन जानने से पहले मुझे यह जानना होगा कि ए क्या है, ए में प्रॉपर्टी क्या है। ए को ध्यान दें, दो काइरल सेंटर है और बीच में क्या है बच्चों, सिमेट्री है, दिस इज POS। क्लियर? इसका मतलब ए कैसा है, मीजो है। ए कैसा है बच्चों, मीजो है। और बी क्या है, जस्ट मिरर इमेज, ध्यान दें। तो क्या ए का मिरर इमेज बी है और ए मीजो है, इसका मतलब बच्चों सिमेट्रिकल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, रिलेशन इज आइडेंटिकल। यहां आप गलती करके इनेंशियल मत लिख देना, ठीक है? हो सकता था आपको सिमेट्रिकल ना दिखते ये, हो सकता था ये आपको मिरर इमेज ना दिखते, एक का चेंज करने पे ऐसा बनता, तब भी तो आप समझ सकते थे कि ये मीजो का मिरर इमेज ही है। क्लियर? तो ये ऐसे भी दे सकता था या एक का चेंज करके भी ऐसे बन जाए, ऐसा ऑप्शन भी दे सकता था। यहां की बात करें, अगर रिलेशन पूछा जाए ए एंड सी में, ध्यान दें, ए मीजो है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहां पर देखें सी में क्या है, क्या सी में सिमेट्री है? नहीं, सी में सिमेट्री नहीं दिख रहा है मुझे। अगर ए को सी जैसा बनाना है, कितने चेंज करने पड़ेंगे और कहां कहां करने पड़ेंगे? यहां की बात करूं तो यहां पे इसने एक का चेंज कर दिया है, ध्यान से देखो, एक का चेंज करके ही ये बना है। दूसरे वाले कैरल सेंटर पर देखें, कोई चेंज नहीं है। तो बच्चों एक साइड चेंज किया है, एक साइड बिल्कुल चेंज नहीं है, क्या ये नॉन मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है? रिलेशन इज डायस्टीरियो, कितना इजी हो गया, देखिए अब आप। मेरा क्वेश्चन है सी एंड डी, ध्यान दें बच्चों, क्या सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। डी की बात करें, डी में भी कोई सिमेट्री नहीं है मुझे दिख रहा है। क्लियर? सी को डी जैसा बनाने में कितने चेंज करने पड़ेंगे? अगर आप चेंज भी ना देखें तो आपको दिख रहा होगा ये सिमेट्री है, यहां पर मिरर इमेज आ रही है, ध्यान दें, एच एच ओ एच ओ एच, एच एच ओ एच ओ एच, सी एस थ्री और सी एस थ्री। इसका मतलब सी अनसिमेट्रिकल है और सी का मिरर इमेज डी है, तो सी और डी में रिलेशन इनेंशियल भाई, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल पे यहां पर भी एक का चेंज है और यहां पे भी एक का चेंज, रिवर्स कर दिया इसको। क्लियर? तो अनसिमेट्रिकल में एक एक का चेंज, सबके अबाउट, रिलेशन इनेंशियल।
सिमेट्रिकल कंपाउंड में चेंज या मिरर इमेज आइडेंटिकल, क्योंकि मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल। यही सीखना है बच्चों में, क्लियर है क्या? अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप बी और डी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बी मीजो है दिख रहा है, डी सिमेट्री नहीं है, क्लियर। बी को डी जैसा बनाने में कितने चेंज करने पड़ेंगे? ऊपर वाले में एक का चेंज, बहुत बढ़िया, और नीचे एज इट इज है, इसका मतलब एक पे चेंज किया एक पे नहीं किया। नॉन मिरर इमेज रिलेशन इज डायस्टोनियम, क्लियर। इसकी बात करते हैं यहां पर, मेरा क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी में रिलेशन, ए एंड बी। तो पहले ए को देखें, ए क्या है यार? मुझे देखने पे लग रहा है काइरल सेंटर, काइरल सेंटर, काइरल सेंटर। ये आपको काइरल सेंटर दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहां से भी वैलेंसी सेम है, यहां से भी वैलेंसी सेम है। इस ऐसे काइरल सेंटर को नाम देते हैं सूडो काइरल सेंटर, मतलब झूठ मूठ का काइरल सेंटर। काइरल सेंटर की तरह काम करता है लेकिन काइरल सेंटर नहीं होता। काइरल सेंटर की तरह का मतलब क्या हुआ? वेज होगा तो अलग आइसोमर, डैश होगा तो अलग आइसोमर। जैसे ये देखिए, ये दोनों अलग आइसोमर है या नहीं? लेकिन क्या ये काइरल सेंटर था? नहीं। लेकिन इसमें चेंज करने पे आइसोमर अलग अलग बने, ऐसे काइरल सेंटर को नाम देते हैं सूडो काइरल सेंटर, क्लियर। बात करते हैं रिलेशन की, ए और बी में क्या ये मीजो है? बच्चों सिमेट्री आ रही है, मीजो है। और मीजो का मिरर इमेज, क्योंकि सबके अबाउट चेंज है, सबके अबाउट चेंज है बच्चों, तो ये मिरर इमेज ही हुआ। और मीजो का मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं बी एंड सी की। बी एंड सी में देखा कि इसके अबाउट कोई चेंज नहीं, इसके अबाउट चेंज, और इसके अबाउट भी चेंज। एक के अबाउट नहीं किया है, दो के अबाउट कर दिया है। नॉन मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज होते हैं डायस्टेरियोमर। किसी ने कहा कि सर मुझे ए एंड सी में बताइए। बच्चों ए एंड बी आइडेंटिकल है, बराबर है, तो बी का सी से रिलेशन भी वही होगा जो ए का सी से होगा। इसका मतलब ए और सी भी क्या है? डाया। चेक कर लो, ए एंड सी को देखो क्या किया है। इस वाले को तो चेंज कर दिया है, इसे चेंज नहीं किया है। एक को चेंज कर दिया, दो को रहने दिया। नॉन मिरर इमेज, और नॉन मिरर इमेज क्या होता है बच्चों? डायस्टेरियोमर। तो कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है, यही हमें बहुत अच्छा लगा कि यहां पर जो हम टेक्निक अपना रहे हैं ये बहुत इजी है और बहुत बहुत जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। यहां आर और एस मत लगाइएगा बच्चों, कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पर हमने रिलेशन की बात कर ली कि कैसे हम डायस्टेरियोमर, एनेंशियोमर या मीजो का रिलेशन बता पा रहे थे या आइडेंटिकल का रिलेशन बता पा रहे थे। इन रिलेशंस के बाद अगला स्टेप आता है हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्लियर। इसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चंस बनेंगे ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। अभी मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो ऑप्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना चाहिए। देखिए क्या, पहला टाइप आता है बाइफेनिल। बाइफेनिल रिंग की बात करें बच्चों, तो बाइफेनिल रिंग में आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में क्या होता था? बाइफेनिल रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती थी, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने पर वो प्लेन में नहीं होती थी, और प्लेन में नहीं होती थी तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करती थी। लेकिन सोचिए अगर ये प्लेन में नहीं है तो ऐसी भी कंडीशन आएगी जब सिमेट्रिकल होंगे, और ऐसी भी कंडीशन आएगी जब अनसिमेट्रिकल होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ अनसिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया तो वो नॉन रिजॉल्वेबल है, उसे कोई भी मिरर इमेज का कुछ मतलब नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कुछ अनसिमेट्रिकल केस आते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था बाइफेनिल की प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाए और प्लेन ऑफ सिमेट्री का वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। बाइफेनिल के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर यहां जो वैलेंसीज लगी है
इनके रिपल्शन की वजह से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रिंग रोटेट कर जाती है। जब रिंग रोटेट कर गई तो जो रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है वो तो कटेगी, चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ वो कटेगी। लेकिन जो प्लेन में है वो तभी कटेगी बच्चों जब यहां वैलेंसी सेम हो। तो सोचिए, अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई तो ऑप्टिकल शो कर देगा। यही पॉइंट है बच्चों। तो जैसे अगर मैं यहां ए लू, यहां ए लू, यहां बी और सी ले लू, लेट सपोज, तो बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर में इसको रख दूंगा क्योंकि इसमें वैलेंसी अलग है, तो ये तो इजिली कट जाएंगे। लेकिन जो प्लेन में है वहां वैलेंसी इक्वल है, इसका मतलब ये भी कट जाएगी। इसका मतलब पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। क्या मुझे सिमेट्रिकल चाहिए? नहीं चाहिए बच्चों सिमेट्रिकल मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा बच्चों। अगर कोई अनसिमेट्रिकल है तभी ऑप्टिकल शो करेगा। इसका मतलब चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ऑप्टिकल शो करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब बताएं क्या ये बाइफेलियल रिंग ऑप्टिकल शो करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि चारों ग्रुप अलग है, कोई सिमेट्री नहीं आएगी। इसका मतलब बच्चों यहां पर ऑप्टिकल शो होगा। तो आपको ऑप्टिकल का आइडिया हो गया, बहुत अच्छे से हो गया बाइफेनियल रिंग में। तो आप जब कैलकुलेट करोगे ना, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो इस पूरे कंपाउंड को आप एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मानोगे, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल में माना था डबल बॉन्ड को और फिर 2 की पावर n लगाया था, याद आ रहा है? वैसा ही कुछ यहां भी होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि कैसे होता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये केस समझ में आया आपको। ऐसा ही एक केस मैंने आपको बताया था जब दो एल्कीन आती है। यहां पर भी क्या होता है बच्चों, ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो केस फिर से वही हो गया। इसका मतलब बच्चों ये जो चारों वैलेंसीज है अगर ये डिफरेंट होंगी, मतलब अगर ये ए बी लेट सपोज डी एंड ई हो जाए, चारों को चार ही डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट होंगे ना, तभी ये ऑप्टिकल शो करेगा, क्योंकि ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैंने ये केस और ये केस रिलेट किए एक दूसरे से। तो ऑप्टिकल के लिए ये दोनों केस बहुत जरूरी है भाई। काइरल सेंटर हमने देख लिया कैसे देखते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो प्रोसेस था वो देख लिया, बस ये चीज अपने से थोड़ी सी रह गई थी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस आज कर लिया। तो बच्चों आज का लेक्चर अपन यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कैलकुलेट करेंगे हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, लगे रहे, आपके लिए तगड़े से तगड़े वीडियो में लाता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ाई करें, एक एक टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ आते रहेंगे लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही लगे रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो कमी हो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू गाइस।